सुशांत सिंह राजपूत केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने पहुंचे संजय लीला भंसाली। सोर्सेस का कहना है पुलिस संजय लीला भंसाली से कुछ खास टॉपिक्स पर पूछताछ करने वाली है, जैसे कि क्या उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को अपनी फिल्म रामलीला ऑफर की थी, और अगर हाँ तो ये प्रोजेक्ट सुशांत के साथ वो क्यों नहीं कर पाए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से संजय लीला भंसाली के साथ कई बड़ी फिल्म्स पर काम नहीं कर पाए थे। सोर्सेस के मुताबिक संजय लीला भंसाली ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक दो नहीं बल्कि चार फिल्म्स पर काम करने का मन बनाया था, लेकिन कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। एक सोर्स का कहना है सुशांत सिंह राजपूत एंड संजय लीला भंसाली वर क्वाइट फॉन्ड ऑफ ईच अदर एज वेल एज देयर वर्क। इन फैक्ट नॉट वंस बट फोर टाइम्स वर्किंग टुगेदर वाज ऑन द कार्ड्स फॉर देम। संजय लीला भंसाली हैड ऑफर्ड हिम फोर फिल्म्स, बट ड्यू टू डेट इश्यूज थिंग्स डिडंट मटेरियलाइज। इस मामले में पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली मेंबर्स के साथ ही 28 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। वहीं सुशांत के पोस्टमार्टम और विसेरा रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने उस क्लॉथ का टेंसिल टेस्ट करवाने का डिसीजन लिया है जिससे सुशांत की जान गई थी। इस साइंटिफिक टेस्ट में कपड़े की मजबूती को चेक किया जाता है और पता लगाया जाता है क्या ये पर्टिकुलर वेट तक के बॉडी को कैरी कर सकता है या नहीं। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के फैंस से लेकर कुछ सेलेब्स सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है वो अपनी जांच अच्छी तरह से कर रहे हैं, वो सच्चाई को उजागर करेंगे। फिलहाल संजय लीला भंसाली से इस पूछताछ का सबसे बड़ा मकसद ये पता लगाना है क्या सुशांत को जानबूझकर फिल्म से बाहर किया गया, क्या एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस की वजह से कई एक्ट्रेसेस ने सुशांत के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। वेल, स्पेक्यूलेशंस ढेर सारी हो रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि सच्चाई जल्द सामने आए। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस के इन्वेस्टिगेशन के बीच उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर आज रिलीज किया गया, और फैंस सुशांत सिंह राजपूत की इस आखिरी फिल्म के ट्रेलर को कर रहे हैं सेलिब्रेट। Watch E-Town News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.